ये दिवाली सिलेक्शन वाली उत्कर्ष के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाएं निर्मल बैच फ्री और निर्मल बैच फाउंडेशन के ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। पर याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो बिना देरी किए अभी अपनी दमदार तैयारी की शुरुआत करें उत्कर्ष ऐप के साथ। इंस्टॉल नाउ। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, जहां से हमेशा जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, राजनीतिक प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय महिला समिति की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें स्थापना, तो ध्यान रखेंगे स्थापना कब हुई थी, 1930 यानी कि 1930 में जो है स्थापना हुई थी। स्थान की बात करेंगे कि कौन सी जगह जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो जोधपुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम बात करें, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके कि कोई भी राजनीतिक संस्था उसके संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे इंदुमती गोयनका जो है वो कौन थी, इसकी संस्थापक थी। आगे हम बात करें महिला आश्रम, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे स्थापना कब की गई थी, 1944 में की गई थी। बात करें कि कौन सी जगह पर की गई थी, तो भीलवाड़ा में की गई थी। और संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे, नारायणी देवी जो है इनकी संस्थापक थी। आगे हम देखें राजस्थान महिला परिषद की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है 1947 में की गई थी और कौन सी जगह पर की गई थी, तो उदयपुर में की गई थी। संस्थापक की बात करें तो शांता त्रिवेदी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम देखें महिला शिक्षा सदन की, स्थान की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि महिला शिक्षा सदन की स्थापना जो है वो कहां पर हुई थी, अजमेर में हुई थी। और बात करें संस्थापक की तो हरिभाव उपाध्याय जो है इनके द्वारा की गई थी और इनकी जो है इनके जो सहपाठी थे 7 के लोग उन जो भी है इसमें सम्मिलित थे। आगे हम बात करें यहाँ पर देखिए महिला मंडल की, ध्यान रखेंगे महिला मंडल की बात करेंगे तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, कौन सी जगह पर की गई थी, तो बांसवाड़ा में। और संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे श्रीमती विजया बहन जो है ना, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम बात करें राजस्थान कांग्रेस समिति की, तो 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थान की बात करेंगे तो अजमेर में और संस्थापक की बात करेंगे तो गोपीलाल माथुर और इनके साथ कौन थे, कृष्णलाल जी जो है इसके सहयोगी थे। आगे हम देखें यहाँ पर जैन शिक्षा प्रचारक समिति की बात करें तो ध्यान रखेंगे स्थापना हुई थी 1905 में। बात करें कौन सी जगह पर, तो जयपुर में की गई थी। संस्थापक की बात करें तो ध्यान रखेंगे इससे संबंधित कौन थे, अर्जुन लाल सेठी जो है इससे रिलेटेड थे। अभिनव भारत समिति की बात करें तो ध्यान रखेंगे स्थापना कब की गई थी, 1907 में। कौन सी जगह की गई थी, जयपुर में। संस्थापक की बात करेंगे तो यहां पर भी कौन थे, अर्जुनलाल सेठी थे, लेकिन इनके साथ कौन थे, ध्यान रखेंगे एक तो केसरी सिंह बारट और इन्हीं के साथ थे कौन थे, ठाकुर गोपाल सिंह जो है इनके साथ जो है शामिल थे। आगे हम यहां पर देखें बात करें नेक्स्ट बात करें राजनीतिक संस्था की, तो ध्यान रखेंगे विद्या प्रचारिणी सभा, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई है, 1911 में हुई थी। आगे हम बात करें स्थान की कि कौन सी जगह पर हुई थी, अजमेर में की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसके संस्थापक कौन थे, तो हरि भाई किंकर जो हैं इसके संस्थापक थे। आगे हम बात करें हिंदी साहित्य समिति की, तो ध्यान रखेंगे स्थापना कब की गई थी, 1912 में की गई थी। कौन सी जगह पर, तो ध्यान रखेंगे भरतपुर में की गई थी। संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि महंत जगन्नाथ दास जो है इनके कौन थे, संस्थापक थे। आगे हम बात करें मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की बात करें तो ध्यान रखेंगे स्थापना कब की गई, 1915 में। कौन सी जगह की गई है, जोधपुर में की गई थी। संस्थापक जोधपुर की जैसे ही बात आ जाए ध्यान रखेंगे कौन से संस्थापक थे, जय नारायण व्यास थे और इनके साथ कौन थे, भंवरलाल सर्राफ जो है इनके साथ सम्मिलित थे। होम रूल लीग की बात करेंगे, ये 1916 वाले की बात नहीं हो रही है, राजस्थान में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1916 में, मतलब इंडिया में तो हुई थी लेकिन राजस्थान में 1916 में। और कौन सी जगह पर, तो ध्यान रखेंगे ब्यावर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम देखें प्रजा प्रतिनिधि सभा की, तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है, 1918 में हुई है। स्थान की बात करें तो कोटा, और कोटा का नाम आते ही कौन से, पंडित नैनू राम शर्मा के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। आगे हम बात करें राजस्थान सेवा संघ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थापना कब की गई है, 1919 में की गई। कौन सी जगह से की गई थी, वर्धा से की गई थी। और ध्यान रखेंगे संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर थे विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। भरतपुर विद्यार्थी परिषद की बात करें, 1920 और 21 में स्थापना की गई थी। कौन सी जगह पर, तो भरतपुर के नाम से आपको याद रखना है, भरतपुर में की गई थी। संस्थापक की बात करेंगे तो गोपीलाल यादव,
कौन है, गोपीलाल यादव के द्वारा, और साथ ही इनके साथ कौन थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी जो है इनके साथ सम्मिलित थे। राजपूताना मध्य भारत सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे राजपूताना मध्य भारत सभा, और इसी के साथ आपको राजस्थान सेवा संघ याद रखना है ताकि दोनों की डेट जो है ईयर जो है वो क्या है सेम है। स्थान कौन सा है तो ध्यान रखेंगे दिल्ली में की गई, और संस्थापक कौन थे तो जमुना लाल बजाज जो है इसके संस्थापक थे। आगे हम बात करें यहाँ पर मारवाड़ सेवा संघ की, तो 1921 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। मारवाड़ से समझ में आ रहा है कौन सी जगह पर की गई थी, जोधपुर से, और संस्थापक कौन है तो ध्यान रखेंगे एक तो चांदमल सुराणा और इनके जो है साथी इनके सहयोगी जो थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। आगे हम देखें जमींदार बोर्ड की बात करें तो ध्यान रखेंगे दोनों का सेम ईयर है, आपको ध्यान रखना है 1921 में की गई थी, और यहाँ पर स्थान कौन सा है गंगानगर, और यहाँ पर संस्थापक कौन है तो ध्यान रखेंगे गंगा सिंह जो है इसके संस्थापक थे। आगे हम बात करें मारवाड़ हितकारिणी सभा, क्या करें मारवाड़ हितकारिणी सभा की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका जो है स्थापना कब की गई थी, इसकी भी 1921 में आपको याद रखना है। स्थान कौन सा है जोधपुर, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। संस्थापक कौन थे तो जय नारायण व्यास, और इनके साथ जो है कौन थे आनंद राज सुराणा जो है इनके साथ थे। आगे हम बात करें अमर सेवा समिति की, तो 1922 में जो है अमर सेवा समिति की स्थापना की गई, कौन सी जगह पर की गई थी तो ध्यान रखेंगे चिड़ावा में की गई, और अगर संस्थापक पूछ लिया जाए तो मास्टर प्यारे लाल गुप्त जो है इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम यहां पर बात करें हाड़ौती सेवा संघ की बात करें तो ध्यान रखेंगे कौन सी जगह पर की गई थी, पहली बात तो बूंदी में की गई थी। अगर ईयर आपसे पूछ लिया जाए तो 1925 में, और संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो पंडित नैनू राम शर्मा जो है उनके द्वारा स्थापना की गई थी। आगे देखें अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद, स्थापना की बात की जाए तो 1927 में की गई, कौन सी जगह पर की गई तो ध्यान रखेंगे बंबई में की गई। संस्थापक की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इनके साथ कौन कौन थे, बहादुर रामचंद्र राव, और इन्हीं के साथ ही कौन थे सी बाई चिंतामणि, और साथ में कौन थे एम सी केलकर जो है वो भी इनके सहयोगी थे। आगे देखें राजपूताना देसी राज्य परिषद की बात करें 1928 में जो है स्थापना की गई, जगह की बात आए यानी कि स्थान की बात करें तो अजमेर में की गई थी, और संस्थापक कौन थे तो विजय सिंह पथिक संस्थापक थे, और इनके साथ कौन थे रामनारायण चौधरी थे। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की बात करें तो ध्यान रखेंगे 1928 ईयर मैंने जो है साथ ही साथ में लिखी है ताकि आप लोगों को जो है एक साथ बहुत सारी संस्थाएं जो है याद रहें। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ, स्थान की बात करेंगे तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा भरतपुर, और संस्थापक की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे मोतीलाल यादव, और उनके साथ कौन थे देसराज जो है ठाकुर देसराज। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट की, तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 की बात है, स्थान कौन सा था जोधपुर था, और ध्यान रखेंगे आनंद राज सुराड़ा है ना, ये पहले भी आ चुका, और जय नारायण व्यास जो है इनके साथ सम्मिलित थे। आगे हम बात करें मारवाड़ यूथ लीग की, तो स्थापना कब की गई 1931 में की गई, कहाँ पर की गई मारवाड़ में की गई, और ध्यान रखेंगे संस्थापक के तो नाम से समझ में आ रहा है जोधपुर की बात आती है, जय नारायण व्यास जो है वो इससे संबंधित थे। आगे देखें राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी 1931 में की गई थी, कौन से स्थान पर की गई थी तो अजमेर में की गई थी, संस्थापक कौन थे तो ध्यान रखेंगे ज्वाला प्रसाद शर्मा जो है इनके संस्थापक थे। आगे इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा जो है इसकी स्थापना 1931 में की गई थी, स्थान की बात कर ली जाए तो सीकर में, और ध्यान रखेंगे सीकर के जाटों के द्वारा की गई थी, लेकिन प्रयास किसका था तो ठाकुर देसराज के प्रयासों से जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम यहाँ पर देखें माहेश्वरी युवक मंडल की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1932 में की गई, जैसलमेर में की गई, और इम्पोर्टेंट क्या है कि संस्थापक कौन थे रघुवर सिंह मेहता जो है इनके संस्थापक थे। आगे देखें मीणा क्षेत्रीय सभा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1933 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे इम्पोर्टेंट क्या है, संस्थापक कौन थे तो वंशीधर शर्मा के द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई थी। आगे हम देखें नगरी प्रचारिणी सभा, तो इम्पोर्टेंट क्या है कौन सी ईयर, क्योंकि ईयर भी आपसे पूछी जाती है, तो 1934 में की गई थी, और प्लेस की बात की जाए तो कौन सा था आपके धौलपुर में की गई थी, और संस्थापक देखा जाए तो ध्यान रखेंगे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और इनके साथ कौन थे जौहरी लाल इंदू जो है वो इनके सहयोगी थे। आगे हम बात करें नरेंद्र मंडल, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थापना कब की गई 1921 में की गई थी, ध्यान रखेंगे स्थान कौन सा था दिल्ली, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ध्यान रखेंगे संस्थापक कौन थे लॉर्ड रीडिंग के समय जो गवर्नर जनरल थे उनके समय जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम बात करें यहां पर भरतपुर कांग्रेस मंडल, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है कब की गई 1937 में की गई थी, स्थान कौन सा है भरतपुर, और ध्यान रखेंगे संस्थापक की बात आ जाएगी तो जिनका नाम क्या है गोकुल
चंद्र शर्मा और इनके साथ कौन थे, गौरी शंकर मित्तल शामिल थे। मारवाड़ लोक परिषद की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी, 1938 में की गई थी। और इम्पोर्टेंट क्या है, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि स्थान कौन सा था, जोधपुर था। और संस्थापक की बात करेंगे तो आनंद राज सुराणा और जय नारायण व्यास जो है इसमें शामिल थे। भरतपुर प्रजा परिषद की बात करेंगे तो ध्यान रखना 1939 में की गई और स्थान कौन सा था, भरतपुर। संस्थापक की बात करेंगे तो जुगल किशोर चतुर्वेदी जी जो है इसके संस्थापक थे। जागीर माफी प्रजा परिषद की बात करें तो स्थापना 1941 में की गई, स्थान कौन सा है ध्यान रखेंगे, अलवर है। संस्थापक की बात करेंगे तो कुंज बिहारी लाल और इनके साथ कौन थे, हरि नारायण जो है यहां पर शामिल थे। आगे हम देखें प्रजा परिषद की, प्रजा परिषद की ध्यान रखेंगे 1942 में की गई थी, स्थान कौन सा था तो ध्यान रखेंगे बीकानेर में। और संस्थापक कौन था तो रघुवर दयाल गोयल जो है ये कौन थे, इसकी संस्थापक थे। आगे हम बात करें आजाद मोर्चा की, 1942 में जो है आजाद मोर्चा की स्थापना की गई थी और किसके प्रयासों से, या मैं कहूँ कि किसकी अध्यक्षता में, तो बाबा हरिशंकर के नेतृत्व में जो है आजाद मोर्चा का गठन किया गया था। बीकानेर समिति की बात करेंगे तो 1944 में की गई थी, स्थान की बात करेंगे तो नाम से समझ में आ रहा है बीकानेर में। और ध्यान रखेंगे संस्थापक कौन थे तो महाराजा शार्दुल सिंह के जो है समय यहां पर की गई। और मारवाड़ प्रांतीय संघ की बात की जाए तो स्थापना कहां पर की गई, जोधपुर में की गई और संस्थापक कौन थे, श्री लालचंद्र के द्वारा की गई। आगे हम यहाँ पर देखें और भी इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पर हम बात करें आरएस प्रीलिम्स निर्मल बैच की, तो इस दिवाली के ऑफर पर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है यहाँ पर। एक है आपके कौन सा, निर्मल बैच नाम है इसका, ध्यान रखेंगे इसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड फीस है और दूसरी कौन सी है, प्राइम फीस। स्टैंडर्ड फीस जो है ये 3500 रुपये है जो कि पहले 12000 रुपये थी, और यहाँ पर प्राइम फीस की बात करेंगे तो 25000 रुपये, जिसको घटाकर कर दिया गया है आपके लिए कितना, 6500 रुपये। और ये ऑफर जो है वो कब तक है आपके, 3 नवंबर तक ऑफर है। तो इसके जो है जो आप जुड़ना चाहते हो आर एस उत्कर्ष के साथ तो ये मौका ना गंवाएं। आगे हम यहाँ पर बात करें, देखिए ये एक और आपके सामने उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यानी कि जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर आपको 90% डिस्काउंट दिया जाएगा, साथ ही साथ 3 मंथ की जो है एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। और यही नहीं, इसी के लिए आपको मिलेगा जो भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज हैं, जो रिकॉर्डेड लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज हैं उनके साथ जो है रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको फ्री दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमेशा आपके क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही अन्य टॉपिक के साथ फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।